नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम जनादेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। 14 फरवरी को मतदान है, सोमवार को सुबह 8 बजे से। मतदान को लेकर जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जो रिमोट एरियाज हैं उनके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो गई हैं, और जो पोस्टल बैलेट है उनसे वोटिंग का काम हो चुका है। काफ़ी कुछ बड़े चुनावी मुद्दे क्या हैं, राजनीतिक दल किस ढंग से चुनाव मैदान में कूदे हुए हैं, और जैसे ही समय करीब आ रहा है, कल शाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, तो आज और इसके पहले चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी दलों के जो बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक पूरी तरह से मैदान में आ गए हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं जगह जगह पे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की अल्मोड़ा में, कांग्रेस की ओर से सभा राहुल गांधी ने की थी, तो और यूकेडी के जो स्टार प्रचारक कहे जा सकते हैं काशी सिंगारी भी बराबर कुमाऊं मंडल में लगे हुए हैं, दिवाकर भट्टी लगे हुए। तो इससे कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उत्तराखंड, तीनों ही दल के स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए हर तरह से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लेकर ये पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में है, मतदाताओं को किन मुद्दों पर समझा रही है, आज आप पार्टी का और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी हो गया है, और पार्टियों के अन्य दलों के जो घोषणा पत्र पहले ही जारी हो चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं, परिचय कराते हैं। ये हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी हैं, कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और इसके बाद हमारे बौड़ाई जी हैं, विजय बौड़ाई जी, आप उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, और भाई शादाब संत जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। शुरुआत करते हैं जोशी जी से। जोशी जी, चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा 5 बजे, सोमवार को मतदान है 14 फरवरी को, अब समय बहुत कम रह गया है, किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के बीच में अभी हैं और कल तक रहेंगे या कहा जाए प्रचार करेंगे उस मुद्दों को लेकर के? निश्चित रूप से पांडे जी, चुनाव अंतिम चरण में है और कल शाम तक 5 बजे तक का चुनाव प्रचार होगा, लेकिन मैं उससे पहले आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, आम जनता से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने भाई बहनों को लेकर, अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को लेकर मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा करें, क्योंकि मतदान से बड़ा दान कोई नहीं है। लोकतंत्र में आपने एक लोक कल्याणकारी सरकार का चुनाव करना है, इसलिए मेरा उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन है और व्यक्तिगत रूप से निवेदन है कि मतदान में अधिक से अधिक अपना हिस्सेदारी करें और लोकतंत्र की जो पराकाष्ठा है उसको कायम करने के लिए एक अच्छी सरकार चुनने का काम सारे मतदाता करें। आपके चैनल के माध्यम से मेरा निवेदन है। जहां तक आपने मुद्दों की बात की कि तमाम मुद्दे थे, पूरे चुनाव अब लड़ा जा रहा है, 24 घंटे बचे हैं और लंबा संघर्ष रहा, और तमाम पार्टियों के नेता ने आकर चुनाव प्रचार किया, राष्ट्रीय और स्टार प्रचारक थे सब लोगों ने, लेकिन ज्वलंत मुद्दे रहे। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष प्रदेश की जनता को करना है, यहाँ के लोगों को करना है। जो नई सरकार आएगी उसको सबसे ज्यादा जूझने के लिए उसको उसके सामने मुंबई खड़ी है आपकी बेरोजगारी, उसका समाधान है। हम लोग एक एक विषय को लेकर चले तो हमारे ख्याल ज्यादा आसानी होगी, ज्यादा इलोबरेट कर सकेंगे, अपनी अपनी पार्टी की ओर से बात भी रख सकेंगे। जैसा कि जोशी जी ने कहा कि आप मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। 14 तारीख को पहले मतदान अवश्य करें, जितनी जल्दी मतदान केंद्र पहुंच जाए, 8 बजे से मतदान है, मतदान करें। रतौड़ी जी, आपकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? बौड़ाई सॉरी, उत्तराखंड क्रांति दल के विजन से राज्य बना उत्तराखंड, और तमाम जो समस्याएं आज घर के कर गई हैं उत्तराखंड में, और बेरोजगारी चरम पर है, उसका मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, पलायन बहुत महत्वपूर्ण है, पहाड़ में शिक्षा का जो स्तर है बहुत गिरा हुआ है, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और भू कानून, सख्त भू कानून जो 2000 में बन जाना चाहिए था, नहीं तो 2002 में सख्त भू कानून बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया, तो उसके लिए है। और गैरसैंण राजधानी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। चलिए, हम लोग पहले बेरोजगारी पे देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि शासन में रही है 5 साल, उनकी उनकी उस पार्टी की ओर से शादाब जी हैं, शादाब जी क्या कहते हैं, शादाब जी क्या कहना आपके इस मुद्दे पर? देखिए, हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं और लोकतंत्र सबसे बड़ा पर्व है,
इस लोकतंत्र में मुझे लगता है जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी को, हर व्यक्ति को अपना एक मत रखने का अधिकार है कि किसके ऊपर जनता वोट करे। हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं और उस विचारधारा ने बहुत ईमानदारी के साथ इस प्रदेश में काम किया है। हम ये मानते हैं कि आज भले ही कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राष्ट्र प्रेम दिखा रहे हों, आज कुछ लोग धर्म प्रेम दिखा रहे हों, चुनावी धर्म प्रेम है, ये चुनावी राष्ट्र प्रेम है, तो हम सब जानते हैं कि राजनीति कितने निचले स्तर पर आ गई है। लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए किस हद तक नीचे गए। मैं आ रहा हूं बेरोजगारी पे, मैं उसी पे आ रहा हूं कि हमारे इश्यूज क्या है। हमारे इश्यूज ये है कि जब देश के स्वाभिमान से बड़ा इशू हो सकता है क्या कोई देश का, क्या देश की सेना के स्वाभिमान से बड़ा इशू हो सकता है क्या कोई? और हमने कहा है इस प्रदेश में जितने ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो रोजगार का विषय रहा हो, हमने लगभग विधानसभा में इस बात को सामने रखा, विधानसभा के पटल पे रखा, हमारे मंत्रियों ने बयान दिए कि 8 लाख युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से हमने यहां खड़ा किया, 2 लाख को अलग इस मद में हमने नौकरियां दी। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे ही आए उन्होंने 24,000 सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया। हम उसमें काम कर रहे हैं लेकिन और आवश्यकता है। और ये जो हमारा मॉडल है ये विकास का मॉडल है। हमारा जो सोच है कि उत्तराखंड को, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कही, बहुत सारी पार्टियों ने अपने अपने दल की बात रखी, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने 1947 से जो बातें रखनी शुरू की थी आज भी वही बात कह रहे हैं, तो इससे लगता है कि जैसे आपने कुछ किया ही नहीं, आज भी आप वही पुरानी राहघाट पे बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, चाहे पहाड़ पे लोग आएंगे। अभी जैसा आपने कहा कि रोजगार के मुद्दे की, रोजगार के अवसर बढ़ाए गए, 24,000 नौकरियां निकाली गई, स्वरोजगार को फोकस किया गया। बिल्कुल, हमने, मैं आपको दो चीज और बता दूं, इस पहाड़ की आजीविका तीर्थाटन और पर्यटन है। हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और हमने कहा कि कैसे बढ़ेगा पर्यटन, हमने कहा होम स्टे खोलिए, घर घर पे आपको तीर्थयात्री आए। अब तीर्थयात्री कैसे आए, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तराखंड की सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने यहां ऑल वेदर रोड बनाया जिससे लोग यहां आसानी से आ सके। वो लोग रहेंगे कहां, उनकी व्यवस्था क्या होगी? सरकार ने कहा हमारे लोगों को रोजगार मिले पहाड़ के लोगों को, तो अपने घर में होटल के तौर पर अपने घरों को यूज करो, उसे होम स्टे बनाओ। उसे होम स्टे बनाने के बाद पता चला कि महिलाओं ने कहा हमारे पास तो कागज नहीं है, तो अगर हमें ऋण लेने की आवश्यकता पड़े, हमारे पास पैसा नहीं है तो कहां से आएगा। तो मेरी सरकार ने कहा कि बहन को, पहली बार कोई ऐसी सरकार है जिसने मातृशक्ति को ईमानदार, जिसे कहते थे कि वो पत्नी है, वो बराबर की सहभागी है, वो सहभागी सिर्फ नाम की थी, सह खातेदार बनाकर उसे हक दिया कि अब तुम सहभागी हो गई हो, क्योंकि अब तुम्हारी खतौनियों में तुम्हारे नाम आ गया, तुम मालिक बन गई हो। तो लड़की की शादी होती थी, इधर से मां बाप ने नाम कटवा दिया, उधर से ससुराल में कहीं नाम नहीं चला, मां घर की है लेकिन उसके नाम पर कुछ नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि बहनों को हक मिला, माताओं को हक मिला, जिन्होंने इस आंदोलन की लड़ाई लड़ा, आज उनको हक मिलता हुआ दिया। मेरे मित्र अभी यूकेडी के साथ ही कह रहे थे गैरसैंण हमारा मुद्दा होगा, अरे इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं उनका उत्तर जरूर दे रहा हूं। उन्होंने कहा हमने इस प्रदेश को इसकी अस्थाई राजधानी के रूप में गैरसैंण दिया और अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते। हम इसे स्थायी राजधानी की ओर आगे तो बढ़ सकते हैं लेकिन हम इससे नीचे नहीं आ सकते। हमने इसलिए ये नारा दिया था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और मोदी जी से ईमानदारी से संवार रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत उत्तराखंड आगे की तरफ, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इस विकास मॉडल के ऊपर, इस राष्ट्रवादी सोच के ऊपर दोबारा मैंडेट देगी। क्योंकि हम जब जब कसम उठाते हैं, हम तब तब वचन निभाते हैं, जब राम कसम की खाते हैं फिर मंदिर वहीं बना। चलिए ठीक है, मंदिर के हो गया। आपका मौड़ा जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक कहना है कि पिछले जो शासन में अभी तक रही है सरकार भाजपा की, उन्होंने जब घोषणा पत्र 2017 में अपना लाए थे, वो तो उन्होंने कहा कि 57,000 वैकेंसीज हैं और उनको हम फिलअप करेंगे, एक भी नहीं कर पाए। और जब 4.5 साल व्यतीत होने के बाद तब उनको याद आया कि साहब कहीं नौकरियां भी हैं, और जब युवा उनको देखा कि युवा परेशान है, युवा सड़क पर आने लग गया, तो तब वो केवल विज्ञप्ति निकाल पाए। अब आप समझिए कि 5 साल में केवल विज्ञप्ति निकाल पाए। आरोप है कि 5 साल में सिर्फ विज्ञप्ति निकाली, 3 साल कोरोना के गए, वो भूल गए कि कोरोना 1 कोरोना 2 आया है, आज भी कोरोना का दौर चल रहा है। मैं अपना कंप्लीट करूं, कोरोना में सारे काम हुए,
कौन सा काम नहीं हुआ, आप एजुकेशन भी दिया ये तो विज्ञप्ति भी निकल सकती थी, फॉर्म भी भरी जा सकती थी। दूसरा उनका गैरसैंण का मामला था, इस मुद्दे में लोग आते हैं, पहले इस मुद्दे पर, ये रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस की राय ले ली जाए, फिर इस मुद्दे में लोग आएंगे। जोशी जी, रोजगार का मुद्दा आपका भी है, रोजगार का मुद्दा यूकेडी का भी है, और रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने काम भी किया है, उन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई, होम स्टे योजना चलाई, इनका दावा है कि हमने रोजगार को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर फोकस किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण अच्छा देते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, झूठ बोलने बड़े माहिर हैं, बड़े बहुत ही होशियारी से झूठ बोलते हैं। अभी बुढ़ाई जी ने कहा, मेरे छोटे भाई ने, कि घोषणा ही करते रह गए। 2017 का घोषणा पत्र का पहला बिंदु है, 2017 का याद दिला रहा हूं, पहला बिंदु है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी घोषणा की कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त का निर्माण करेंगे, लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, ये सशक्त लोकायुक्त हम यहाँ पर बनाएंगे, आज तक नहीं आ पाए लोकायुक्त। नहीं, रोजगार को लेकर वही बात है, मैं जरा बड़ी बातें मेरे छोटे भाई ने कही हैं शादाब ने, मैं इसलिए बहुत लंबी चौड़ी में इसको डिबेट का समय खराब नहीं करूंगा। जहां रोजगार की बात है, अब इन्होंने कहा 57,000 नियुक्तियां थी, इन्होंने कहा हम करेंगे, 57 नियुक्ति नहीं कर पाई। स्वरोजगार में आपने बहुत रोजगार दिया, एक स्वरोजगार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चली थी कोरोना काल में, है कोरोना काल में कहते हैं, बहुत काम किया इन्होंने उस योजना में, पूरे प्रदेश का जो एलोकेशन था या जो टारगेट था वो 2800 लोगों को नौकरी रोजगार स्वरोजगार देना था, 2800 लोगों को पूरे प्रदेश में एक साल। कहाँ लिखा था? हाँ, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास कागज होगा अभी तो। दिखाइए ना, आप यहाँ बोल रहे हैं। अरे जरा दिखाइए, अरे जरा आप लाहौर मत बोलिए ना, चैनल पे आप कह रहे हैं हम झूठ बोलते हैं, आप साबित कीजिए। मैं कह रहा हूँ, आप अभी दावे के साथ कह रहे हो, अभी चुप तो रहिए ना सर, अभी साबित कीजिए। कर दूंगा ना, रुको सही, जरा साबित कर दूंगा, निकाल दूंगा अभी, निकाल लेना, घर जाना, जरा लेके आना चाहिए था आप, ऐसे बिना तैयारी केवल 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 2800 की इन्होंने काम स्वरोजगार देंगे, एक सपने में देख लिया। दूसरी बात इन्होंने कहा, ये भी अब इसे भी दावा सिद्ध वो करेंगे, कंडम करेंगे, कहेंगे नहीं हमने नहीं किया, हमने रोज जो किसी भी प्रदेश का, तो पांडे जी बड़े विद्वान जी कहेंगे, बनारस के आप रहने वाले हैं, आपके यहाँ तो विद्वानों की खान है, ये कहते हैं कि साहब जब लोक सेवा आयोग से नियुक्तियां नहीं कर पाया, आपने कहां से रोजगार दे दिया, कहां से सारी नियुक्ति अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्रक्रिया जारी है, लोक सेवा आयोग की आपकी प्रक्रिया जारी है, अब आप डिबेट आप ही कर लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे आप, फिर सामने सामने तथ्य आप एक पेश नहीं कर पा रहे, झूठ कौन बोला, बताइए आप मुझे, मैं तथ्य मांग रहा हूँ आपसे, लोक सेवा आयोग से एक भी नियुक्ति बताई बोला जी, लोक सेवा बताइए आप ईमानदारी से, पत्रकार 5 साल के बताओ ना, बहुत जिम्मेदारी होशियार आप बताइए की यही साल कुछ बोल रही है की नहीं हो रही, कहाँ हो रही है आज की डेट में, चले आपके नियुक्ति हो रही है विधानसभा में पलायन की बात आपने कही, चलो हम दूसरे मुद्दे में जाए, पलायन आयोग बनाया, पौड़ी में उसका कार्यालय खोला, वो आ गया देहरादून, उसके बाद वो चला गया है गाजियाबाद पलायन करके, बताइए पलायन आयोग ने क्या काम कर दिया, क्या सुझाव आपने दिए पलायन रोकने के, 1300 से ज्यादा गांव हैं खाली हो रहे, गांव खाली, ये इनका आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं है, उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट है पलायन आयोग की, 1300 गांव खाली हो गए हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आपका, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमने 1341 गांव खाली हो गए का पुनर्वास कराया, अरे उसकी तार बाड़ कराई, अरे इसलिए कि पहाड़ में जंगली जानवर उन लोगों को परेशान ना करे, पहली बार पहाड़ में पुनर्वास करा रहे हैं हम, रिवर्स पलायन करा रहे हैं, कांग्रेस को दिखाई नहीं दे रहा, हमने इस प्रदेश के अंदर सुनिए मोदी आया, आप सुनेंगे आपको मालूम है मुख्यमंत्री पास कुछ नहीं कर दिया, आपके पास कुछ नहीं तो पड़ेगा, पांडे हमने सुना ना आपको, एक कोई तरीका थोड़ी उत्तर नहीं लिए, शादाब जी का उत्तर आ जाए, आप इसका जवाब बोलिए। मैंने कहा कि
आज इस प्रदेश के अंदर हमने अटल आयुष्मान योजना, आप मुझे 5 लाख रुपए हर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुफ्त उपचार, और आपको समझ में नहीं आ रहा एक बार तारीफ की हो कांग्रेस ने, सिर्फ विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं आप इस प्रदेश में, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलवा रहे हैं इस प्रदेश खुल गई, आप वादा कर रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपने बताइए क्या कार्रवाई की, आप बताइए क्या कार्रवाई की, आप बताइए क्या कार्रवाई की आप अपने प्रदेश उपाध्यक्ष से, ठीक है आपका प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहा है आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, दादाजी एक मिनट, किस तरह लेके जा रहे हैं उत्तर, दादाजी दादा भाई एक मिनट, आप देखिए मुद्दा जो तब पला, एक मिनट अब लोग शांति से बात, एक मिनट एक मिनट, पलायन दे रहे थे ना आप, आपके जवाब आ जाए पलायन। सबसे बड़ी बात है जब से 2000 से राज्य बना, निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियां शासन में रही है, कोई दीर्घकालिक नीति, भाई यदि सही बात कहे, यदि एजेंडा पर बात हो तो दीर्घकालिक नीति नहीं बना पाए। पिछली बार इन्होंने पलायन आयोग जरूर बनाया, कुछ काम नहीं कर पाया। आयोग बनाने से नहीं होगा, वहाँ मूलभूत सुविधाएं, आयोग की रिपोर्ट आती है, इस आयोग इसलिए बनाया जाता है, कैसे होगा मतलब 5 साल रिपोर्ट ही में, अगर आप हम उसके ऊपर काम नहीं किया होता तो इनकी बात पूरी जनता जनता को आप पॉजिटिव बताइए कैसे किया, कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगे। वहाँ बेसिक मूलभूत जो बातें थी वो होनी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां, आप कैसे करेंगे ये बताइए। निश्चित रूप से हम ये कहें कि यदि फल प्रदेश बना दिया जाए, फल प्रदेश में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, सुने मैं बता उसके बाद जब आपका मौका आएगा तब आप बात करें। फल प्रदेश में कुछ नहीं हुआ, हिमाचल की तर्ज पर यदि फल प्रदेश विकसित होता तो निश्चित रूप से यहाँ पलायन भी नहीं होता, यहाँ जो वहाँ की जो भौगोलिक हमारे जो बंजर गांव होते वो बंजर नहीं होते, वो गांव भी बंजर हो गए, खेत भी बंजर हो गए, उसका कारण है वो जो आप कैसे करेंगे बताइए। निश्चित रूप से हम यदि हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से फल प्रदेश बनाएंगे, और फल प्रदेश से क्या होगा, फल प्रदेश बनाएंगे तो वहाँ कृषि भी आएगी, वहाँ पशुपालन भी आएगा, वहाँ दुग्ध उत्पादन भी होगा, वहाँ मौन पालन भी होगा, और तमाम इंडस्ट्री वहाँ पर बढ़ेंगे यदि यदि नियत से काम कर। और यदि इन दोनों पार्टियों ने यदि किया होता तो आज उत्तराखंड एक खूबसूरत प्रदेश, एक बड़ा खुशहाल प्रदेश बना होता, लेकिन इन दोनों ने बंजर नहीं। ये आपका आरोप है बड़ाई जी, आपकी पार्टी दोनों ही सरकारों में भागीदारी की है, एक बार आपकी पार्टी से एक कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद दूसरी सरकार में आपकी पार्टी के मंत्री रहे, तो जो आपकी पार्टी से की भागीदारी थी सरकार में, रिप्रेजेंटेशन था मंत्रिमंडल में, तब क्या किया आप लोगों ने इस दिशा में? हमने निश्चित रूप से आवाज उठाई है, और एक आदमी और कहा 11 आदमी, आप बताएं। अच्छा आपने कोशिश की, मतलब कोशिश की, अब ये करने वाले, देखिए मुख्यमंत्री अब इनसे पूछने इनके पास एजेंडा ही नहीं था भाई, ये आपकी पार्टी में भी रहे हैं, भागीदारी की आपकी इस पार्टी की सरकार में, तो इनका प्रयास किया, और मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा मैं तो ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं, देखिए अभी सुन तो लीजिए, आपने एक अजीब सी बात कह दी, यानी कि आप सब मीठा मीठा खा रहे हो, जनता परेशान है, जनता परेशान है, आप मीठा मीठा खा रहे हैं और जनता परेशान है, ये जनता तय करी। हाँ बताइए, हाँ बताइए, मैं ये कह रहा था कि हमने एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में हिंदुस्तान में हम 3rd नंबर पे आए, आज ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग के आंकड़े कह रहे हैं, सारे के सारे जो कमाल कर रहे हैं, सुनने को मजा नहीं है भाई, अरे उद्यान है वो बंजर कर दिए, ठीक है बंजर कर दिए, आप बताइए इनकी बात, सरकारी सरकारी पढ़ाई आगे बढ़ाएगा, क्या राजनीति करेंगे, शादा की बात पूरी कर ले, उसके बाद आपसे पूछेंगे। मैं शालीनता से, अरे सर उत्तर ले लीजिए, काम इन्होंने किया बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, क्या काम ले लीजिए ना, फिर एक का उत्तर दे दूं तो आपका भी दूंगा, अच्छी बात तो नहीं है, फिर आप बात कर देंगे, मुझे दूसरी बार आप बोल नहीं देंगे, जरा सुन लो जरा, ऐसे पांडे जी ये ठीक नहीं, देखिए ये मुनासिब नहीं, चलिए ठीक, इस वक्त चुनाव चल रहा है, मुझे लगता है मुझे एक करके उत्तर देने हैं, दो लोगों के लिए टीम में लगे रहे 5 साल उद्यान और
कृषि का एकीकरण करने में लगे तो अब ये दो इशू हो गए, शांत रहिए। यूकेडी और कांग्रेस के प्रति शांत रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति बताएं कि दो इशू पर क्या कहना है आपका। हमने कहा आज इस प्रदेश के अंदर इनके पास कोई नीति नहीं थी, आज इस प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर में पूरा जो उत्तराखंड है वो बढ़ते हुआ उत्तराखंड तीसरे नंबर पे आए हैं। और आज आप देखिए पहाड़ पे जाके आप सेब के बागान आपको एक तरफा नजर आएंगे, जितनी तेजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पहाड़ के ऊपर जो ऐसा होता है जरा बता दीजिए, बताता हूँ अगर मैं रख दूंगा। अरे मैं अभी आप फिर आप सुनने का दम नहीं है। इस पहाड़ के बागान बंजर टॉर्च लेके बंजर जमीन को आपको दिखाई नहीं देगा, दिक्कत तो ये है आपके आगे बोलिए। आप तो दृष्टि दोष है, हमारी गलती थोड़ी है, दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष तो आपका है, दृष्टि दोष है, दृष्टि दोष आपको जनता देख रही है, आपका एजेंडा ही जनता देख रही है, आप सब सुनना नहीं चाहते, आप सबसे भाग रहे हैं, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, देश की सेना पे सवाल उठाते हैं, आप करते हैं इटली से सेब लेकर इटली सेब लाने की बात, इटली से सेब लाने की बात, इटली से सेब और हिमाचल की पेटियों में जा रहा है उत्तराखंड का सेब, तो बताइए क्या माल की बात। मैं आपको इसीलिए पांडे हाँ। जी कह रहा था ये सच सुनना नहीं चाहते क्योंकि ये लोग चुनाव के मुहाने पे खड़े। अरे गलत बात, नकार दिया है, तमाम चुनाव ये हारे हैं हमारे सामने। इन पांच सालों में हमने इनको लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सरकारी चुनाव सब में इनकी जमानत जमानत जनता झूठ की राजनीति जनता जानती है। हमने इस प्रदेश के किसानों को अभी आ जाएगा सर, हाथ पढ़े लिखे को आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, देखते रहो आपकी जमाने को देखो आ रहा है, आ रहा है, ऐसे ढाई पे आने वाले आप। ठीक ठीक है, चलिए ये दो इशू हो गए, एक पलायन के इशू पे मेरा टर्न है। आप जी, मैं केवल इतना कह रहा था, हमने बहुत ईमानदारी के साथ डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार रूपी गड्ढे हो गए थे उन्हें भरने का काम किया, जहां लोग व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे, जो व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे। जोशी जी आपका देखिए, अब सुनने का दम नहीं है, मैंने कहा ना मुख्यमंत्री के पीआर ने कहा सुनने का दम नहीं है, डिबेट को मछली बाजार मत बनाइए, मछली बाजार मत बनाइए, डिबेट को दिक्कत आएगी। आप मेरे आदरणीय है, बड़े आदरणीय है, मेरी बात टर्न है सुन लीजिए ना, अभी आपका टर्न बताइए। हाँ, पर अपनी बात पूरी। हमने कहा हमने बहुत ईमानदारी से इस प्रदेश के लिए काम किया और इस प्रदेश में जो बच्चे हमने देखा, कोरोना काल आया, कोरोना काल में वो कांग्रेस के लोग रेस्ट मोड पे थे, इन पांच सालों के लिए जनता तैयार बैठी है इन्हें पूरे पांच साल का रेस्ट देने के लिए, ये रेस्ट मोड पे रहेंगे अब पांच साल, क्योंकि जनता ने देखा है कि जब वो बिल बिला रहे थे, जब वो उनके अपने उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे जिंदगी की, तो कांग्रेसी नेता इसी कमरों में बैठ के घर में आराम कर रहे थे, अब पांच साल जनता इन्हें आराम कराने वाली है। मैं इसलिए कह रहा हूं हमने ईमानदारी से काम किया, लोग नाराज थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन इनकी गाली खाने के लिए भी हम मौजूद थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं हमने बहुत ईमानदारी से काम किया, हर मोर्चे लिया जाए, हर मोर्चे पे काम किया, और कांग्रेस को अगर फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो दृष्टि दोष है, कांग्रेस को छोड़ दिया जाए क्योंकि कांग्रेस प्रबल दावेदार है। क्या हां बताइए आप, क्या करें अब बताइए, ये बर्फ में लगे नहीं, आप ये जो बात हो रही थी बता रहा हूं ना क्या हुआ, हम तो कह रहा हूं एसी में थे, ये बर्फ में थे, ठीक है, इनके मंत्री ने बयान दिया कि कोरोना काल में त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने ठीक काम किया होता तो मंत्री का बयान था उनके बताइए, सुन लीजिए ये हालत इनका मुख्यमंत्री बोले कहता है कि कोरोना तो एक प्राणी है, एक मिनट उसको भी हक है जीने का, ये बड़ा संवेदन इनके मजाक बताओ राहुल जी ने क्या कह रहा हूँ, दूसरा दादा जी एक मिनट का नाम न लिया जाए, एक मिनट जोशी जी, मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा कि कोरोना को लेकर आपने इनका आरोप है कि संवेदन शून्यता दिखाई कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहता हूँ आरोप प्रत्यारोप तो
आपने तो टीका भी मोदी टीका कोरोना काल में आप आरोप प्रत्यारोप को छोड़ करके सीबीआई चर्चा की जाए कि आपकी पार्टी ने कोरोना काल में किस तरह जनता के बीच भागीदारी की, कैसे मदद की। देखिए अगर 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 इन्होंने आंखों में पट्टी मात्र की तो मुझे कुछ नहीं, आपने क्यों बताई उनको छोड़िए। अरे हमने तो हमने कितना काम किया वो जनता जानती है, जनता के बीच में जाके किया। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ इनके मंत्री ने सिद्ध कर दिया संवेदनहीन सरकार रही, संवेदनहीन सरकार रही। निश्चित रूप से सरकार ने कोरोना पीरियड में ईमानदारी से काम नहीं किया, बताइए। हमारे जितने पहाड़ के लोग थे सब पैदल आए हैं, पैदल साहब दिल्ली से कहां से और हजारों रुपया खर्च करके यहां आए। वो लोग हमारे मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया गाड़ियों को लेके आने, बस मजा नहीं आएगा। ये बात जैसे आपने आरोप लगाया ठीक है, अब उसके उनका क्या कहना है? मैंने कहा गाड़ियां नहीं भेजी, ठीक है गाड़ियां नहीं भेजी और जगह के लोग मुख्यमंत्री। यहाँ बात उत्तराखंड की हो रही है, बड़ाई जी एक मिनट शांत रही। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लोगों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं करी और जगह के मुख्यमंत्री कहाँ से लेके आए। ठीक है बात पूरी हो गई आपकी। इनका आरोप है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जनता के लिए कुछ देखिए। बताइए आंखों में मोतियाबिंद हो जाए और कोई सच को बस कोई झूठ बोल दे, ये कोई आधार नहीं, कोई तरीका नहीं। बताइए अरे भाई सच सुनने के लिए क्या आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सुनिए ना, उत्तर तो लीजिए। आप चिल्लाने बेवजह आप उत्तर तो लीजिए। अरे उत्तर आप ये देखिए, सुनिए आपके जो समय की सीमा होती है घड़ी के हिसाब से चलती रहती है। मैं सिर्फ एक एक लाइन, हां एक लाइन बताइए बस। अब मैं ये कह रहा हूं हम लोगों ने तमाम लोगों को बाहर से हमारे लोगों को बाई ट्रेन स्पेशल ट्रेन चली, उन ट्रेन से यहां मंगाया गया और उन ट्रेन के माध्यम से लोगों को हमने उनके घरों तक पहुंचाने का पूरे प्रदेश में पहुंचाया गया। मोदी जी ने हर व्यक्ति को राशन आज तक राशन मुफ्त राशन ईमानदारी के साथ सरकार ने काम किया, लेकिन कांग्रेस प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई। यहाँ बड़ी बड़ी बातें ला रही है और जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आपने सिर्फ बातें की, 54 साल की बातें की, आज भी आप बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जनता जवाब देगी क्योंकि घरारा जवाब घड़ी घड़ी हम लोग को रोक रही है। जनता देगी समय सीमा। आप लोगों ने कोरोना पे दावे प्रदावे आरोप प्रत्यारोप कई सारे मुद्दों पर बात हुई और अब चूंकि 14 तारीख को मतदान होना, अब जन मतदाता तय करेगा कि किसको मतदान करना है किसको नहीं करना है, ये 14 तारीख स्पष्ट हो जाएगा। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।